Hello to you all. Are you getting my voice? Yes, sir. Okay, fine. So let's go ahead for the first part, what we were discussing collision previously. As we have discussed here, we were on some problem. Impulse of deformations and reformations, this we have already done. Okay. So, any problem to understand this topic? By the help of this, we can find the coefficient of restitution also. So, these were all previous topics. Let's go ahead. Okay. Here. So, let's start. Before this lecture, I was discussing some problem on the line of motion, whether you had that problem with you all. Let me see that problem. I already deleted that. You can see there were the two balls on the line of motion that was on the oblique collision. We were getting for the oblique collision there, right? And you have to find the impulse of deformation and impulse of reformation. Whether you all got that problem or I have to do that? Aap log ne solve kar liya wo problem ki main solve karu, so complete karu. Bolo bhai. जो इसमें पहले जो है ओब्लिक कोलिजन कर रहे थे, दो बॉल थे इस तरह के, वो बीच में रुक गया था ना, तो वो दो बॉल इस तरह से आ रहे थे एक दूसरे की तरफ, यहाँ से और ये यहाँ से पैरेलल, तो ये इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट ये था. ये कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था कि इसको आगे प्रोसीड करें हमें? वो प्रॉब्लम है ना आपके पास, पीडीएफ में चेक करें, प्रॉब्लम है ना? हाँ सर है. हाँ तो उसको देख लें. वो कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने कि उसको मैं उसका ए पार्ट ही केवल सॉल्व किया था अभी मैं. तो कॉमन वेलोसिटी अलोंग मींस दैट वाज लाइन ऑफ इंपैक्ट है ना, वो निकाल लिया था, वी जीरो आया था. तो फिर इसके बाद आगे सॉल्व करें कि इट्स ओके, आप लोग कर लेंगे उसको. सर करिए सॉल्व. सो सॉल्व किया रहे? अच्छा, हेलो प्रॉब्लम आ रहा हूँ. Let me take that problem once again. Problem तो right now मेरे पास है. एक मिनट के लिए मैं निकालूँ problem. वो PDF लेना पड़ेगा. इस PDF को लेना पड़ेगा. तो कैसे है? आप लोग अच्छा वो सब करो. PDF शेयर किया था. हेलो सर. हाँ यस सर, वो M1 M2 M3 वाला क्वेश्चन जो आया ना ग्रुप पे, वो भी रिसेंटली, वो भी सॉल्व करके बताइए. कौन सा M1 M2 M3 ये वाला? अच्छा 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 अच्छा. हाँ सर. पहले इसको किया रहे कि नहीं? पहले ये करिए, वो लास्ट में बता दी. इसको पहले करिए. इसमें था ये जो PDF शेयर किया गया था, ये था यस. ठीक है, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ. चले पढ़ो. इतने पार्ट को मैं उठा ले रहा हूँ. ठीक है, यहाँ तक हो गया था सबका.
उसी को मार डालेगा और इसी के आगे से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं कर दिया था, फिर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख लें एक बार प्रॉब्लम क्या निकालना है। ए बी सी डी ये फाइव पार्ट्स निकालने थे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, फर्स्ट पार्ट सबका। फर्स्ट पार्ट में क्या वैल्यू आई, बी की वैल्यू, ये सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अगर आप चेक करें तो ये आ जाएगी वी की वैल्यू। ये इससे पहले वाला वर्क था, ठीक है। मैं वहीं से आगे को स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ से वी की वैल्यू सॉल्व करनी थी, हम लोग का आज का वर्क है ये। तो वी इज इक्वल टू यहाँ से तो 2 + 4 दैट इज वी। अभी वी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से आ गया वी की वैल्यू क्या हो गई, सॉल्व कर दो इसको। तो दैट इज बी इज इक्वल टू 0। इट इज ऑल राइट। 4 cos 30° 6 cos 30° दोनों कैंसिल हो गया और ये वाली वैल्यू बी की वैल्यू 0 आ गई। कॉमन वेलोसिटी अलोंग LOI, कॉमन वेलोसिटी अलोंग LOI, LOI लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा, ठीक है। अभी बी पार्ट में क्या सॉल्व करना है चेक करो। बी पार्ट में तो बी पार्ट में आपको सॉल्व करना है फाइनल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। फाइनल वेलोसिटी अलोंग द लाइन, द कॉमन वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये वाला हो गया वी वाले। अभी निकालनी है फाइनल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। सो हाउ टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, यू नो, लेट्स से दिस इज क्वेश्चन। सब लोग समझ रहे हैं कि एक बार फिर से ब्रशअप करें उसको। ये वाली लाइन ऑफ इंपैक्ट थी आपकी, ठीक है। और फिर इसके बाद अभी आपको क्या करना है, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये वाली वैल्यू थी 4 sin 30° ये वाली, यही चीज लेना है 4 sin 30° और अभी जस्ट आफ्टर द कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, यू नो दैट इज ये 4 sin 30° हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका 2 sin 30° ये क्या था देखो यहाँ पे 2 sin 30° राइट और ये 4 sin 30° और ये वाला जो मास था आपका ये जो है 2 kg का, ये वाला जो मास था आपका 2 kg था राइट, ये वाला मास था 2 kg था। यहाँ पे v1 वेलोसिटी से जा रहा था और ये वाले किस वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से जा रहे थे राइट। तो लेट मी राइट ओवर हियर, सो दैट इज 4 sin 30° 4 sin 30° ये सब लोग को दिख रहा है 4 sin 30° कैसे आया, ये ऊपर वाला और ये वाला क्या आया 4 cos 30° दैट इज 2 kg मास यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ 2 kg मास लिख लिया। ये वाली वेलोसिटी v1 हो गया अपना, ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी v2 हो गया और ये क्या होगा 2 sin 30° 2 sin 30° राइट और ये कैसा होगा 4 kg मास हो गया। तो अभी चलो इसमें जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग LOI, ठीक है भाई, जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग LOI क्या आएगा बताओ। अभी लेट v1 एंड v2 विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, v1 एंड v2 विद द फाइनल वेलोसिटी राइट। तो डायरेक्ट लिख दें, बोलो भाई 2 क्या लिखेंगे, बोलो मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट बताओ 2 × 4 अभी क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल cos 30° ना 4 cos 30° 2 × 4 cos 30° राइट और माइनस 4 × यही वाली वैल्यू जो ऊपर लिखे हैं ये वाली 0 जो हो गई है अभी 2 cos 30° इसी वाले को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ। ये देखो यही वाली चीज़ है, यही वाली लाइन है, ये 0 होने वाली है। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये तो जस्ट उसमें था बिफोर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन के लिए क्या लिखेंगे 2 × v1 ये वाली v1 वेलोसिटी से जा रही है और ये वाली v2 वेलोसिटी से जा रही है, तो प्लस
ब्रैकेट बंद कर दो, 4 into ये 4 मास किस वेलोसिटी से जा रहा है, v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो 4 वाला मास v2 वेलोसिटी से जा रहा है, अभी क्या होगा, और दैट इज ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल होगा, तो ये फाइनल 0 आ गया, ये जो इससे पहले 0 आया ही था आपका जो ये वाला ऑप्शन, ये वाला v0 आया था ना, तो ये लेफ्ट साइड 0 हो गया था, देखो भाई लेफ्ट साइड 0 हो गया था इसलिए v0 आया था, तो लेफ्ट साइड वाला फिर से 0 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, v1 plus डायरेक्टली लिखते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, 2v2, सो बाय कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बाय कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बस डायरेक्टली लिखें रेस्टिट्यूशन, that what we say here, E is equal to, E की value क्या आएगी, velocity of separation upon velocity of approach, तो E की value क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है ऊपर question में, E की value क्या दिया हुआ है, 1/3 याद है भाई, E की value 1/3, देखा सबको, E की value 1/3 आ गई है, okay, so once you get E 1/3, तो velocity of separation upon velocity of approach, that is v2 minus v1 upon that, ये तो हो गया आपका velocity of separation हो गया, और velocity of approach along LOI, सब ये along LOI है, along LOI ही निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो LOI के लिए बताओ, अच्छा लाइन ये वाली जो लिखते हैं coefficient of restitution along LOI ही लिखते हैं, E velocity of separation of velocity of approach along LOI ही लिखते हैं, तभी रिजल्ट आता है velocity of approach along LOI, तो what is 4 cos 30 degree, यही वाला बात आपका, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला 4 cos, हां बोलो, प्लस सर ऑब्लिक के लिए LOI लेते हैं या सारी केसेस के लिए LOI लेते हैं, किसके लिए फिर से बोले, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेते हैं, दैट इज अलोंग LOI ही लेते हैं, ये दोनों ही को LOI के लिए अलोंग ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेते हैं, अरे भाई हेड ऑन कोलिजन में भी तो ऐसे ही हुआ था, ये जो u1 u2 आ रहा है, u1 u2 आ रहा है आफ्टर कोलिजन v1 v2 ये जा रहा है, तो सब किसके अलोंग लिखते हैं, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट ही तो है ये वाला, ठीक है, तो इसीलिए तो लाइन ऑफ इंपैक्ट की पढ़ाई करते हैं, ई लिखने के लिए ही लिखते हैं, पढ़ते हैं पूरा, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसे ये है बताया गया था, जो ये दोनों जो है सेंटर से पास कर रहा है नॉर्मल वाला लाइन, ये नॉर्मल रिएक्शन पास कर रहा है, यही तो पढ़ाई करनी है, समझे, ये वाली चीज़ हमेशा अलोंग LOI ही लिखते हैं, हटा दे रहा हूँ बस ये आप लोग समझ लें कि LOI अलोंग लिखा गया सॉरी LOI के अलोंग लिखा हुआ, ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू, अभी सॉल्व कर लो इसको फटाफट, तो वैल्यू क्या आ गई भाई, ये सब रखो 4 cos 30 डिग्री 4 sin 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बोलो सॉल्व कर देता हूँ, क्या जा रहा है v2 minus v1 क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दें v2 minus v1, देखो 4 cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 और ये 2 फिर से √3/2 तो 2 √3 से कैंसिल हो गया ये √3, तो v2 minus v1 is equal to √3, अंड ब्रैकेट लगे से समझ में आया सबको, ये जो समझ में आया तो मैं लिख देख रहा हूँ, ये सॉल्व करके देख रहा हूँ, √3/2 अगर सब रख कर देख रहे हैं तो समझ गया, समझ गए सर, इक्वेशन नंबर 2 इसको अब लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2, सो अभी ये वाला इक्वेशन को फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट और 2 से दोनों से v1 v2 की वैल्यू अभी सॉल्व कर दिया फटाफट आप लोग, तो चलिए बताइए v1 और v2 वैल्यू बताइए क्या आएगा, v1 की वैल्यू बता लो और v2 वैल्यू बता लो, ये इससे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, ये दिस इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये आफ्टर द कोलिजन हम लोग को ये v1 और v2 निकल जाएगा, v1 और ये v2 दोनों निकल जाएंगे, राइट, तो चलो निकालो थोड़ा सा जल्दी से, दोनों से दो इक्वेशन दो नॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करो भाई, क्या आंसर आया जल्दी बोलो, v1 v2 वैल्यू ये दिख रहा है सबको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तो v1 की वैल्यू क्या आई, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, मैं सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो, देखो v1 कैंसिल हो गया, 3v2 3v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अरे 3v2 इज इक्वल टू √3 डिवाइड कर दो,
v2 इक्वल टू क्या हो गया 1/√3, ये v2 है, v2 इक्वल टू 1/√3 आ गया आपका। भाई दोनों को ऐड किया आपने, देखो 3v2 और इक्वल टू √3, तो 3 से डिवाइड कर दो, √3 कैंसिल, 1/√3 मीटर पर सेकंड, आर यू ऑलरेडी। नेक्स्ट v1 की वैल्यू क्या आई है, v1 की वैल्यू से मेरा तो √3 -2√3, तो ये वाली वैल्यू हटाना पड़ेगा। v1 की वैल्यू क्या आ गई -2/√3 -2/√3 मीटर पर सेकंड। ये अब आप लोग सॉल्व कर लो, जैसे भी सॉल्व करते हो, दो टू अननोन क्वांटिटीज टू इक्वेशन है भाई। मैं तो अभी देखो सिंपल एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, दो इक्वेशन है क्लास सिक्स सेवन का पढ़ाई हो सकता है। अब सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो वी वन वी टू देखो निकल चुका है, यही आपको निकालना था बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो फाइनल वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये आ चुका है आपका, राइट। अब आपको क्या निकालना है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये पढ़ाया गया था लास्ट वाले लेक्चर में, यही बताया गया था। आप देखें इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये देखो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और ये इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये बताया गया ना, तो यही वाली चीज़ बतानी है आपको। तो बोलो भाई इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए। सी वाला, सी वाला पार्ट करना है तो जे डी का फॉर्मूला क्या होगा, जे डी की वाली बोलिए, एम इंटू किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, M1 के कि M2 के। तो मान लो मैं M1 के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, v-u1। दिखा कि मैं देख लाऊँ जे डी की वैल्यू एम इंटू वी माइनस यू वन, सबको दिखा कि मैं देख लाऊँ। देखो भाई जे डी इज इक्वल टू जे डी M1 इंटू वी माइनस यू वन, M2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। सर u1 माइनस v आएगा ना, लेकिन वो दोनों एक दूसरे, एक्चुअली ये ठीक है, ये 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 एक दूसरे की तरफ चल रहा है ना, और यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर ये वाला सीन है, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो नेगेटिव कर दो, मतलब तो मेरी बात समझ में आई आपको क्वेश्चन में। देखो बट सर फिर इस केस में इनिशियल ज्यादा नहीं होगा क्या, अरे ये इनिशियल वेलोसिटी तो है भाई 4 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। अरे ये देखो ना, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और इससे पहले वाला जो आप जो है जे डी पढ़ा आपने, वो क्या हुआ, वो दोनों फॉलो कर रहे थे, ये ए वाला बी को फॉलो कर रहा है, नहीं समझे। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव कर दो, तो वही वाली बात हुई, M1 इंटू वी माइनस यू वन हो जाएगा ना, बराबर। तो yes, वैल्यू क्या आएगी, M1 इंटू M1 की वैल्यू क्या होगी, टू टाइम्स M1 टू है ना, 2 है, 4 है, 2 है ऊपर वाला, 2 के जी रख लो, M1 की वैल्यू 2 माइनस 0 क्यों आया, B की वैल्यू देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 0 आया, B की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। तो 2 इंटू 0 माइनस U1 कितना था, U1 दैट वॉज 4 cos 30 डिग्री से इधर आ रहा है ना, 4 cos 30 डिग्री से अपना इधर की तरफ आ रहा है, ये वाला 4 cos 30 डिग्री, ये वाला U1 है, ये U1 है 4 cos 30 डिग्री, ये देखो 4 cos 30 डिग्री, राइट। तो 4 cos 30 डिग्री से इधर की तरफ आ रहा तो नेगेटिव कर देंगे ना, ये तो एक्स एक्सिस हम लोग ये लिया, तो वही 4 cos 30 डिग्री, वो U1 ले चुके हैं, एक ही बार नेगेटिव लेंगे, चार बार नेगेटिव लेंगे, 4 cos 30 डिग्री। तो अभी सॉल्व कर दो भाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2 कैंसिल टू -4√3, आंसर आ गया -4√3। डी ऑप्शन देखो, अभी डी ऑप्शन में क्या चाहिए अपने को, JR चाहिए, तो JR की वैल्यू क्या है, अच्छा M2 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो आपको, ऐसी बात नहीं है। JR इक्वल टू क्या होगा, अच्छा JR के लिए डायरेक्ट बताए थे E into JD, भाई E into JD, राइट, E into JD। अच्छा आप JD और JR अलग अलग निकाल कर डिवाइड करोगे तो E ही आएगा, अगर आपको नहीं यकीन हो तो मैं अभी दिखला दूंगा आपको जो करके, ठीक है। E into JD, तो दैट इज 1/E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू 1/3 है ना, 1/3 तो यहाँ पे सिंपली, और ये जे डी की वैल्यू दिया है ऊपर से उठा के यहाँ पर रखो -4√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट हियर -4/√3 -4/√3 क्या चीज़ आ गया, न्यूटन सेकंड, अच्छा सबको लिख दो न्यूटन सेकंड, यहाँ भी दे लिखा है न्यूटन सेकंड, राइट, न्यूटन सेकंड करेक्ट, तो डी ऑप्शन आ गया,
अभी एक और ऑप्शन कुछ होगा ना, ई में क्या निकाल रहा था, ई में चेक करें, ये पहले JDJR समझ में आया सबको, कोई डाउट? JDJR समझ में आया सबको? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। अच्छा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन भी लिखवाया गया, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डिफॉर्म्ड स्टेट में U क्या हुआ, दैट इज, ये ऐसे किए थे जो इससे पहले वाला वर्क किया वही लिखना है, हाफ ऑफ, ये भी बताया गया ना, U1 cos theta का होल स्क्वायर, जो भी आपका फॉर्मूला ये होता है, मतलब पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाफ ऑफ M2 into U2 cos theta, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी ये जो ले रहे हैं, U2 cos theta का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, याद आ रहा है, M1 प्लस M2 into, ये जो कॉमन वेलोसिटी से जस्ट मतलब रिफॉर्मेशन से पहले और आफ्टर डिफॉर्मेशन ये चलने लगा वी वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू फर्स्ट वाले ऑप्शन में जीरो आया है, तो ये वाली वैल्यू सारी डाल दो आप यहाँ पे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो U इक्वल टू हाफ ऑफ, अब M1 U1 सब वैल्यू लेकर के आओ भाई, 2 into 4 cos theta, 4 cos theta का होल स्क्वायर, राइट, प्लस हाफ ऑफ बड़ी सही है, M2 कितना था, 4 था, M2 को 4 लिख लो भाई, ऐसी बात है, M2 को 4 लिख लो, और U2 कितना था, U2 हो जाएगा आपका, U2 कितना आ रहा था, 2 cos 30 डिग्री तो अप्रोच कर रहा था, इसलिए माइनस 2 cos 30 डिग्री, राइट, समझ में आ रहा है, मैं दिखलाऊं क्या चल करके, माइनस 2 cos 30 डिग्री कैसे आया, ये वाला देखो, माइनस 2 cos 30 डिग्री इधर की तरफ जा रहा है, ये एक्चुअली इधर की तरफ हम लोगों ने x एक्सेस ले लिया है, ये आप समझ लीजिए पॉजिटिव x एक्सेस, तो इधर की तरफ माइनस 2 cos 30 डिग्री, ठीक, तो अभी देखो माइनस 2 cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, फिलहाल गलती भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हाफ ऑफ, अब यहाँ पे M1 प्लस M2 दैट इज 2 प्लस 4 और इंटू लिखना तो पड़ेगा ना, 0 का स्क्वायर, फाइनली 0 ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी कर लो इसको फटाफट, देख लो ये सब वैल्यू रख दो, 4 cos 30 डिग्री वगैरह कितना आया, क्या क्या आया, अब देखो भाई क्या आया, क्या आंसर आया, इसको कैलकुलेट करके बताइए आप लोग, U इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है, तो जब तक आप लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेशन करना है, cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रख दो ना, मैं थीटा लिख दिया क्या, यहाँ 30 डिग्री लिख पाओ आप लोग, यहाँ पे भी 30 डिग्री रख दो भाई, थीटा उठा लेंगे, थीटा वैल्यू निकल चुकी है, 30 डिग्री निकल गया, जो ये दी हुई है 30 डिग्री, ठीक है, निकाल लेंगे 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट 3/2 अगर रख दो, सब सॉल्व करके बताओ, तब तक मैं दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, दूसरा ऑप्शन एफ वाला सॉल्व करता हूँ, इसको कैलकुलेट करके बताओ आप लोग क्या आंसर है, बोलो कैलकुलेट करो क्या आंसर है, नहीं मैं कैलकुलेट किया तो जीरो के बस इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करना है, तो एफ की वैल्यू मैं चलता हूँ, क्या था अपना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे देखेंगे हम लोग, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई डेल के से निकालेंगे, तो डेल के इज इक्वल टू क्या होगा, अभी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब चूंकि अब हम लोगों ने लॉस लिख दिया, तो इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और अदरवाइज अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते और फिर निगेटिव आते, ऐसा इससे पहले एक और क्वेश्चन कर चुके हैं आपको बताया, हेलो सर, हाँ यस प्लीज सर, पोटेंशियल एनर्जी लॉस माइनस 6 जूल है, 6 जूल तो नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो गया, ये वैसे वैल्यू फिट करता है यार, 6 जूल क्यों आएगा, ये नेगेटिव कर दिया क्या, इसका होल स्क्वायर करो सर, 18 जूल था, 18 जूल, हां यस 18 जूल इज द करेक्ट आंसर, ये आप नेगेटिव ले लिए लग रहा है, नेगेटिव का होल स्क्वायर है माय डियर, हां सर, हां सर, वो ध्यान नहीं दिया, हां नेगेटिव लिया आपने ना, इसलिए 18 जूल चले, तो याद है नाउ लुक एट पॉइंट हियर, डेल के इज इक्वल टू केआई माइनस केएफ, क्लियर, तो चलो अब ये लिख लो आप लोग फटाफट, अब आप लोग करो ना इसको, कर सकते हो सभी लोग, करो जल्दी जल्दी, KI माइनस KF, KI की वैल्यू क्या होगी,
हाफ ऑफ M1 U1 cos थीटा, अरे यही जो ऊपर वाला IT जूल आपने निकाला, राइट, ये जो ऊपर वाला IT जूल निकाला ये ना, और KF कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर, ये वाला देखो V1 V2 निकाला है हम लोगों ने, ये वाला रिजल्ट V1 V2, तो ये आफ्टर कोलिजन हाफ ऑफ M1 V1 स्क्वायर ले लो, हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर, ये वाला V2 ले लो, ये वाला V1 ले लो और इससे निकाल लो, ये तो 18 जूल आपका आ ही चुका है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, छोड़ दूँ कि निकाल दें, चलो निकाल लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। डेल के इज इक्वल टू क्या लिखे बोलो, इसको मैं नहीं लिखूँ क्या, KI डायरेक्ट, KI लिखना क्या, आप यहीं से कॉपी कर लीजिए, ये पूरा जो है ये वाली चीज़ कॉपी कर, ये आपका के आई आ गया, ठीक है, ये आपका के आई, चलिए तो ये के आई हो गया, इसको आप लोग पढ़ करिए करिए, ये कला करिए, आप लोग नहीं करिए, डेल के, तो डेल के ये के आई हो गया आपका, ठीक है। अच्छा पुलिस स्क्वायर को छोड़ गया, पुलिस स्क्वायर तो निगेटिव कर लेंगे अभी, ठीक है, तो ये हो गया आपका के आई, राइट। अब माइनस के एफ निकालो भाई, माइनस के एफ निकालो, तो ऐसा आप लोग ऊपर नहीं उठते, ये तो 18 निकला हुआ है, तो टाइम वेस्ट करने उठते हैं, क्योंकि मैं मुझे एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक, चलिए KF की वैल्यू बताइए क्या आएगा, KF की वैल्यू क्या आई है, तो आ गई है आपकी हाफ ऑफ, और M क्या था, 212 था, आप लोग निकाल ले तो मैं छोड़ दूँ, 2/√3 होल स्क्वायर, जल्दी करें ताकि आगे क्वेश्चन किया जाए, टाइम कम है भाई, हाफ ऑफ 1/2 4 × 1/√3 का होल स्क्वायर, शायद कोई एक निगेटिव था, देखो मैं छोड़ दिया हूँ, उसमें आप चेक कर लेना कौन सा नेगेटिव था, कौन सा नेगेटिव था भाई, कोई एक इसमें नेगेटिव था शायद, वेलोसिटी होल स्क्वायर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, आप चेक कर लेना कौन सा नेगेटिव था, 2/√3 क्या है, लिख दिया जाए बंदा कि कन्फ्यूजन ना हो, नेगेटिव कौन सी वेलोसिटी थी, ये -2/√3, ऑल्दो होल स्क्वायर होने में पॉजिटिव ही आएगा, तो -2/√3 होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गए, एनीहाउ ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है 18 जूल, और माइनस ये कितना आएगा, आप इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, समथिंग जूल, फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए करिए, बैठा लिया अपना फटाफट करिए, तो एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, सर 16 जूल है, हेलो सर, हेलो बोली भाई, हुआ मैं चला गया था एक मिनट के लिए, 16 जूल आंसर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 16 जूल एकदम सही, एकदम सही एकदम सही, 16 जूल, 16 जूल आ गया है आंसर, तो ये कितना कितना है, 2 जूल ना, ये 2 जूल आया हुआ, अभी तो 16 जूल आएगा, 16 जूल इज योर करेक्ट आंसर, सही है, चलो तो डेल के आ गया आपका 16 जूल, और कोई ऑप्शन बचा हुआ है, सब खत्म हो गया, तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है,
यही उतना बचा हुआ था लास्ट लेक्चर पर। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट कॉलम पे गो थ्रू होंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे। तो एक और कॉलम हम लोग लेना चाहेंगे यहाँ पे सेम पैटर्न पर, और फिर आज एक वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ना है हम लोगों और रॉकेट प्रोपल्शन राइट। तो चलिए देखते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन लिखना पड़ता है इसमें क्वेश्चन यानी ये आज का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन ठीक इसका था पिछले लेक्चर से। तो टू स्मूथ स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल रेडियाई लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल ओके, ए इज अ मास एम एंड बी ऑफ मास 3m, ए इज ऑफ मास एम एंड बी इज ऑफ मास 3m, द स्फीयर्स आर प्रोजेक्टेड towards each other with velocity vector. अब देखो जो इससे पहले हम लोग कर रहे थे तो वो means one dimension में जा रहे थे, two dimension. अभी two dimension में अगर हो रहा है तो कैसे collision होगा, इस बात को मैं दिखलाना चाह रहा हूँ ठीक है। तो इस बात को अगर आप दिखला रहे तो 5i ये जैसे vector है, आप बोले तो इसका मैं animatic diagram भी दिखा सकता हूँ, जैसे 5i plus 2j and 2i minus j respectively, ये बात समझ में आ रही है सबको, ये question है दिखेगा इतना बड़ा तो दो बॉल बनानी होगी हम उनको, लेट मी कंप्लीट दिस बॉल। Two smooth spheres A and B of equal radii, lie on a horizontal table, right? A of mass m and B of mass 3m. अच्छा, A और B का mass है 3m है, तो इसको थोड़ा change कर दिया color, ताकि पता चले अलग है, पहले तो identical लग रहा था, और इसको जो है ना ये जो red color वाली ball है, बड़ी heavy one, heavy heavy mass है, लेकिन identical है, इसलिए दोनों का सेम ही मेजरमेंट ठीक है। चलिए तो अभी ऐसा करते हैं कि इनकी वेलोसिटीज वेक्टर्स को देख लेते हैं। तो ये वाली वेलोसिटी वेक्टर क्या है, लिखा हुआ है 2i माइनस 5j, ये वाला देखो, ये वाला क्या लिखा हुआ है 2i माइनस 5j, किसका किसका मास है, एक का तो मास a है, एक का मास b है, पहले a b तो डिसाइड कर लें पहले कौन कौन सा है, तो ए बी को डिसाइड कर लीजिए। चलिए तो ये वाले को हम लोगों ने बोल दिया, अच्छा ए और मास किसका है, ए का मास है स्मॉल एम है, तो इस वाले को छोटा लिए थे, तो ये जो है हम लोग क्या ले लेंगे, इसका मास स्मॉल एम ले लेते हैं और इसका मास जो है क्या ले लेते हैं 3m लेना पड़ेगा ना, 3m दिख रहा है सबको छोटा हो गया, ये तो m हो गया ठीक है, और यहाँ पे इसका मास लिख दिया जाए 3m, 3m लिख दिया है 3m का मास ठीक है। अब देखो जरा सा वेक्टर देखो,
तो क्या लिखा है, द स्फीयर्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर विद विद वेलोसिटी वेक्टर 5i + 2j एंड 2i - j, यानी 5i + 2j वेक्टर किसका होगा, a का। 5i + 2j का मतलब समझे क्या हुआ, 5 + 2j का मतलब ये वाला 5i है इधर की तरफ और ये वाला 2j है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 2j पॉजिटिव है और 5a नेगेटिव है, ठीक है। तो 5a को नेगेटिव हम लोग कर लेंगे लाइक दिस और ये 2i को लाइक दिस। समझ में आ सकता है, इस वेलोसिटी वेक्टर से ये जा रहा है। अच्छा, अब ये जो 3m वाला मास है, थोड़ा सा भी दूर करते हैं, कोलिजन के लिए स्पेस बनाएंगे। तो 3m का जो मास है वो क्या कर रहा है, वो देखो, वो क्या कर रहा है कि इनका वेलोसिटी 2i माइनस जे है, तो ये 2i इधर हो गया, ठीक है, और माइनस जे इधर की तरफ हो गया, यानी माइनस जे नीचे की तरफ हो गया। क्लियर है, क्लियर है भाई सबको, ये 2i वेक्टर है क्या और ये वाला माइनस जे यूनिट वेक्टर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, बोलो। ये इनका वैल्यू आ गई, तो यहाँ वैल्यू इसका डाल सकते हैं आप जो है, यानी ये दोनों मिलकर के 2i और माइनस जे होगा, तो 2 और माइनस जे, यानी माइनस 1 नहीं लिखेंगे अब, ये डायरेक्शन 1 दे रहे हैं और इधर वाला डायरेक्शन जो है 2 लिख रहे हैं और इधर वाला डायरेक्शन 5i लिख रहे हैं, 5 हो गया। आर यू ऑल गेटिंग, हेलो सर, यस हेलो, हाँ सर, वो मास m है ना, उसका जो 5i वाला कंपोनेंट था वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस बना रहे हैं यार, ये वाला x एक्सिस बन रहा है और ये वाला y एक्सिस बन रहा है अपना, तो y एक्सिस की तरफ जो है वो 2j, मतलब ये 5i + 2j है ना। अरे भाई छोटा वाला मास पहले लिख रहा है, पढ़ो, टू स्मूथ स्फीयर्स a एंड b हैविंग इक्वल रेडियस लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट, a इज ऑफ मास m एंड b इज ऑफ 3m, ठीक है भाई। द स्फीयर्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अब किधर कैसे आ रहे हैं ये क्लियर नहीं है, जैसे भी टुवर्ड्स ईच अदर रिस्पेक्टिवली, एंड व्हेन दे कोलाइड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द पैरेलल टू द वेक्टर दिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। तो अब बताओ कैसे एक दूसरे से कोलिजन होगा, ये दोनों मिल करके ही इधर की तरफ आएंगे ना, आप बताओ कैसे ले, मतलब 5i को किधर ले। अच्छा आप ये कह रहे हो कि लेफ्ट साइड क्यों लिए, आप ले सकते हो लेफ्ट साइड में लेकर के, ऐसे ले सकते हो, ये आप बोल रहे हो, हाँ सर, आप ये बोलना चाह रहे हो, ले लो कोई दिक्कत, हाँ सर, हाँ एक ही बात है, वो चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख, ठीक है, चलो आपको ऐसे पसंद है ऐसे रख लो, करेक्ट, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी वही है जो इससे पहले वाला किया था ना, जो इससे पहले वाला किया था, ये जो पहले किया था ये भी वही चीज़ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हाँ हाँ, वो फ्री वेक्टर्स जैसे जो बोलते नहीं है वो, तो आप जैसा बोलो, मैं आप ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो और बोलो और कुछ चेंज करना है तो इट्स ओके, हालांकि वो भी ठीक है जो पहले लिखा था वो भी ठीक ही है, ऐसा कोई गलत नहीं है। आगे चलिए, तो ये एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, अच्छा इसको हटा दें, इसको हटा दें, ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि रहने दें, बना दें क्या, चलो बना ही देते हैं, ऐसी बात है तो बना ही देता हूँ इसको ही, बना तो ये जो है देखो, ये वाला अपना एक्स एक्सेस हो गया और ये वाला अपना वाई एक्सेस हो गया, ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों, ये इसको एक्स एक्सेस बोल देंगे और इसको हम लोग वाई एक्सेस बोल करके चलेंगे, क्लियर, आगे बढ़े इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब ये देखो, ये जो मोमेंटम जो इसमें जनरेट होगा अभी, तो ये सब करेंगे, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ, अच्छा द लाइन ऑफ सेंटर सेट इम्पैक्ट, ये अगर हम लोग को देखना है तो ये अब हम लोग कैसे देखेंगे बताओ, ऐसे सिचुएशन में कैसे देखेंगे बताइए, m और 3m ये दोनों एक दूसरे की तरफ कोलाइड किए, अब जहां भी जैसे भी कोलाइड किए, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या आ रहा है, कैसे कोलाइड कर रहे हैं, तो इसका जो सिचुएशन होगा, पहले मैं थोड़ा छोटा करूँ क्योंकि इसी में स्पेस में हमको बनाना है ये वाली सब चीज़ें, तो मैं इसको अभी लॉक कर दे रहा हूँ, इसमें अब चेंज नहीं करूँगा, ठीक है, इस वाले चीज़ को मैं लॉक कर दे रहा हूँ, एक बार ये डिसाइड हो गया, क्लियर, तो ये मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये वाला सब लोग समझ गए थे। अब ये क्या करना है कि इन्हीं वाले बॉल को,
तो इस वाले बॉल को नियम वाले बॉल को और ये वाले देखो, ये जो आपका 2M वाला बॉल एम वाला बॉल है इसको जो मैं उठा के ले आ रहा हूँ, तो ये दोनों अब जो है कोलिजन करने के लिए आए हैं, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगा इन लोगों, ठीक, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये जो है कैसे होगा जरा दिखा दें, तो ये पहले इम्पल्स क्रिएट होगा थोड़ी देर के लिए, पहले यहाँ पे देखो इम्पल्स क्रिएट होगा लाइक दिस, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे 6 यूनिट पर और यहाँ पे 6 वेक्टर मतलब ये और फिर ये राइट, और फिर इसको लिख लेंगे हम लोग क्या 6 और यहाँ पे भी 6 और ये इसका आप तो जान ही रहे हो इसका मास क्या है 3m है और इसका मास क्या है m है। चलो ठीक है, अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये वाला बॉल लेकर के आते हैं और इस वाले को ये दोनों बॉल के लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये बन जाएगी क्या कि आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या लेंगे हम लोग, इसका देखो ये वाली वैल्यू तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ ही देखते हैं तो ये फिर से मैं इधर वाला बना दिया 5 के बाद जो जो आएगा तो ये यू से आएगा और फिर ये फर्दर ये जो है वी से जा रहा होगा और ये जो है ये वाला तो 1 से जाता ही रहेगा एक्स वाई प्लेन पर, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये आ रहा है जस्ट बिफोर द कोलिशन तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी यू हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हम लोगों ने वी एज्यूम कर रखे और ये अभी भी 2 ही बना रहेगा राइट, और ये वाला कितना था 1 तो ये 1 आ जाएगा, इट इज ऑल राइट। मींस परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं ये वाले और ये वाले दे विल अनचेंज्ड ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी इसको ए बी एज्यूम कर ले परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ लिख दें क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट अनचेंज। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही रहेगा अनचेंज राइट, तो अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दे और लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन वही जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भाई, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैं ये लिख दे रहा हूँ, चलो उससे मोमेंटम लिख रहा हूँ ये पूरा लिखते क्या confusion of by conservation of momentum, by conservation of momentum, momentum, okay, by conservation of momentum, conservation of momentum, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू नो क्या हो जाएगा दैट इज अप्लाइंग बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो चलिए जरा सा इसमें मोमेंटम अप्लाई करके क्या है तो क्या लिखेंगे अलोंग दिस लाइन राइट, तो पहले ये क्या 5m देखा प्लस
3M किससे भाग रहा है ये 3M किससे भाग रहा है 2 से ना और इज इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे m इंटू यू ये वाला m मास ठीक है और ये वाला 3M तो m इंटू यू राइट और प्लस 3M इंटू वी हम लोगों ने u और v एज्यूम कर रखा है ये वाला u और ये वाला v राइट चलिए तो ये आ गया आपका अब बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन restitution apply करते हैं तो by law of E velocity of separation velocity of approach apply करें बोलो क्या आएगा E की value कितनी दी है 1/3 ये देखो E की value coefficient of restitution कितना दिया है 1/3 right so E is equal to 1/3 clear और velocity of separation क्या होगा V minus U अपॉन वी माइनस यू और यहाँ पे बताओ क्या आएगा बोलो भाई दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो यू वन माइनस यू टू फाइव माइनस टू होप सो ये लॉग एडिंग समझ में आया सबको इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर वन अब वन और टू से आप यू वी की वैल्यू सॉल्व करो फटाफट बोलो जल्दी से बोलो यू और वी की वैल्यू क्या थी भाई बाय द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बताओ क्या आया जल्दी बोलो मोमेंटम से और बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन से क्या आंसर आया दोनों से सॉल्व कीजिए यू और वी की वैल्यू सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट डू यू गेट हियर व्हाट इज यू एंड व्हाट इज वी वेलोसिटी यहाँ पे u और v की वैल्यू बताओ क्या आंसर है सॉल्व करके सुनिए वेलोसिटी ऑफ a एंड b वेलोसिटी ऑफ a एंड b आफ्टर इंपैक्ट यही पूछा गया तो क्या जाएगा Find the magnitude of the impulse, अभी बताया velocity after impact and the loss of kinetic energy. So velocities of ये वाला velocities after the line after impact. What is the velocity after impact? Yes. After impact क्या आएगा ये वाली value बताओ तो बताए ये I J component तो हम लोग 2 और ये 1 ले लेंगे ये X component बताना है I component. U I. क्या आएगा A के velocity. हेलो सर यस सर वी 5/2 है वी क्या है 5/2 आया है मेरे को आई एम रॉन्ग राइट दे आर रॉन्ग वी 5/2 आ रहा है क्यों बस ये आपको सॉल्व करना है क्यों गलत सॉल्व कर देते हैं एम तो कैंसिल हो गया ना यार 5 और 6 और u plus v साफ साफ दिख रहा है u minus v 5 minus 2 3 3 3 9 दोनों को ऐड कर दो v कैंसिल हो गया u कैंसिल हो गया v आ गया 2v 9 और इधर कितना था वैल्यू दिस वन तो v की वैल्यू क्या आएगी 3 9 3 से डिवाइड कर दो 9 3 v की वैल्यू 3 आ गई सीधे दिख रहा है साफ क्या कर रहे हो v की वैल्यू क्या आ गई 3 आ रही है भाई की वैल्यू 3 आ गई अब भी वैल्यू 3 आ गई सिम डाल दो वैल्यू 3 तो 3 3 ये कैंसिल हो गया है ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया आपस में 5 minus 2 तो v की वैल्यू 3 आ गई 3 और u की वैल्यू क्या आ गई u की वैल्यू बोलो 1 3 minus 1 2 तो u की वैल्यू 2 हो गई भाई u की वैल्यू यही 2 हो गई खत्म u v निकल गया और u v निकल गया
तो ए वाले का जो है क्या था, ए वाले का अभी यू टू आई प्लस टू जे, ये ए वाले का वैल्यू आ जाएगी। तो ए वाले की वैल्यू क्या आएगी, टू आई प्लस टू जे यूनिट वेक्टर। और बी वाले की वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ आफ्टर इंपैक्ट, दैट इज क्या रहेगा, थ्री आई माइनस जे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ए बी की वैल्यू आ जाएगी लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब देखो भाई, तो बिफोर इंपैक्ट पहले आपको देखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है भाई। बिफोर इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी दोनों बॉल का, एम और थ्री एम मास का। फिर आफ्टर इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल लो राइट, और फिर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इंपैक्ट अभी आप बैड निकाल दो। तो क्या आंसर आया जल्दी बोलो, सब लोग सॉल्व करके बताओ फटाफट, कितना आंसर आया भाई, यही हम लोग को अब निकालना है ना। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कॉज्ड बाय द कोलिजन, फाइंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स एंड एक्ट, इंपल्स दैट एक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ इंपैक्ट। ये बात देखते हैं पहले, ये इसको बोलो जल्दी बोलो सर, थोड़ा ऊपर कीजिए ना, ये तो अभी हम लोग जो निकाले हैं। क्वेश्चन आपके पास है, देखो यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं। अब बिफोर इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए निकालो, बी निकालो, सब दोनों को आफ्टर इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी निकालो भाई, ए निकालो बी निकालो, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इंपैक्ट ऑफ ए बी। अच्छा यहाँ पे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर एक मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। बिफोर इंपैक्ट वाले, बिफोर इंपैक्ट वाला मैं दिखा रहा हूँ, बिफोर इंपैक्ट इंपैक्ट बिफोर इंपैक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या आप लिखिएगा बोलिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा ए का मास क्या था एम, और इनकी वेलोसिटी क्या थी बताइए, क्या लिखिएगा, हाफ ऑफ ए, आपको ये इसका एनर्जी लिखना है तो क्या लिखेगा, हाफ ऑफ एम इंटू ये वाला देखेंगे ना वी स्क्वायर प्लस, अब इस बार मैग्नीट्यूड लिखेंगे राइट भाई, वी ये स्केलर क्वांटिटी आती है ना, तो इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे हाफ ऑफ एम, तो क्या लिखेंगे बोलिए जल्दी से, फाइव स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, क्लियर है भाई, तो दैट इज 29 बाई 2, kinetic energy of B लिखना है, तो B के लिए लिख लीजिए half of, अभी m mass कितना हो गया इसका, इसका m mass जब बढ़ गया ना 3m, 3m हो गया था, और इसका velocities क्या था भाई, शायद 2 1, yes 2 1, तो 2 square plus 1 square, ये तो सब लोग समझ पा रहे हैं, हाँ yes बोलो सर, एक बार क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हाँ सर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अलग एक मोबाइल में लेकर के रखिए, उसमें स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ताकि ऊपर करने पर लिखेगा नहीं, छोटा करेंगे तो सब कुछ दिखेगा नहीं ना बराबर, इसलिए ठीक है, हाफ ऑफ 3m into 2 square plus 1 square,
तो दैट व्हाट वी से हियर, क्या अब हम लोग को निकालना है इसको सॉल्व करो यार. 2 4 3 3 3 9 तो क्या गया ये 4 + 1 5 5 3 15 by 2 15 by 2 यहाँ तो सबको सुनना है. आफ्टर इम्पैक्ट का कैरेटिक एनर्जी, आफ्टर इम्पैक्ट दैट, आफ्टर इम्पैक्ट दैट कैरेटिक एनर्जी ऑफ ए. तो कैनेडिक एनर्जी ऑफ ए क्या हुआ, और आफ्टर इंपैक्ट कैनेडिक एनर्जी ऑफ बी लिखना है. ठीक है, आफ्टर इंपैक्ट कैनेडिक एनर्जी ऑफ बी लिखना है फिर. तो चलिए बताइए बी के लिए क्या होगा और ए के लिए क्या होगा. अब आप तो सब निकाल दिया, आप लोगों ने वैल्यू निकाल के अब आप लोग सॉल्व करो इसको फटाफट जल्दी जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा. हाफ ऑफ, हाफ ऑफ ये तो रहेगा, ए वाले का मास तो बदलेगा नहीं, मास तो वही रहेगा आपका. ठीक है, तो ये एम हो गया और ये आपका दोनों एक साथ ही मैं निकाल दे रहा हूँ, ये 3m हो गया. अब रहा सवाल यू स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये देखो 2, यहीं से देखो ये ए वाले का है, ये वाला जो है वेलोसिटी क्या है, ए वाले का वेलोसिटी है. ठीक है, और 2² + 2² तो क्या लिखेंगे, 2² + 2² ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3² + 1² 3² + 1² ये देखा, और ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट कितना आया, 4 4 8 by 2 4 4 एम हो गया आपका. और रहा सवाल इसका, तो ये कितना गया 15 एम हो गया करेंगे. देखा ये एम मतलब मास है, वो एम एम की वैल्यू दिया नहीं रहे लोगों ने तो इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है, एम के टर्म्स में आंसर आएगा. सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो फाइनली क्या हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल इंपैक्ट के लिए. तो इंपैक्ट में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी था वो कैसे हम लोग निकालेंगे, अब इन दोनों का सम निकाल लो तो कितना हुआ 29 by 2 15 by 2 माइनस कर लो इन दोनों में के सम से, इन दोनों के सम को माइनस कर दो तो लॉस आ जाएगा. अब मैं लॉस पहले ही लिख दिया हूँ इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ, चेंज नहीं निकालना, जब चेंज निकालेगा तब आप बोलेंगे नेगेटिव साइन आ रही है. ठीक भाई, तो बोलो 29 by 2 + 15 by 2 और माइनस 4m - 15m लिखो 29 by 2 + 15 by 2 राइट, माइनस 4m और माइनस 15m, माइनस क्या होगा 4m माइनस 4m और माइनस 15m माइनस 4m और 15m. अच्छा ये भी m है, 29 by 10 15 by 2 m लिख दो, और माइनस 4 और 15 19m और अब इसको सॉल्व कर दो 29 + 15 तो 34 by 2 22 - 9 दैट इज 3m करेक्ट. अरे बड़ी एक ये आंसर है. अच्छा अब ये वो निकालना था, जे निकालना था ना, तो जे कैसे निकालेंगे,
बताएंगे? बताइएगा कैसे निकालेंगे? जे क्या अरे करना क्या है ये देख लो, द इम्पल्स दैट एक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ इम्पैक्ट, जस्ट इंस्टेंट पर। तो वो जो आपको वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंट इम्पल्स क्रिएट कैसे होगा? जे इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जे, व्हाट यू हैव टू डू? चेंज इन मोमेंटम अलोंग आई यूनिट वेक्टर किसी एक स्फीयर के लिए। लेट्स से कि फॉर स्फीयर बी, अगर बी किसी के लिए लिखे, जैसे हम लोग को किसी के लिए निकालो, सेम आएगा। जे इक्वल टू क्या जाएगा? कोई भी बॉल ले लो, कौन सा बॉल लेना चाहोगे? फर्स्ट बॉल से चेंज निकाले कि सेकंड बॉल से निकाले, जिससे बोलो। फर्स्ट बॉल। हाँ, तो फर्स्ट बॉल अगर ले लो तो एम ले लोगे आप जो है, और एम ले लोगे, और ये वैल्यू पहले अभी यू कितनी हो गई है? अगर फर्स्ट बॉल से निकालोगे भाई, तो फर्स्ट बॉल का मास लो, फर्स्ट बॉल का मास कितना है? एम। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? अलोंग आई, अलोंग आई में इंपैक्ट हो रहा ना, अलोंग आई यूनिट वेक्टर। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो जे, अब आप ये बताओगे जे भी वेक्टर क्वांटिटी है भाई, जे भी वेक्टर क्वांटिटी है भाई। जे का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? जे के लिए मैं बताया हूँ पीजे इक्वेशन भाई, पी आई प्लस पीजे, पी आई प्लस पी आई प्लस जे इज इक्वल टू क्या होता है? पीएफ होता है। तो भाई ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टोरियली क्यों नहीं ले रहे हो, आप ये कह रहे होगे। लेकिन ये मैं उसी समय आप जाकर के खोले जहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो वहाँ पे नोट पॉइंट पे मैं लिखवाया हूँगा कि अलोंग द एलओ आई, ये क्या होगा? अलोंग एलओ आई। और बताए थे कि एलओ आई अभी आगे पढ़ाएंगे, जब ये बताए थे पीजे इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड पीजे इक्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो ये जे इम्पल्स क्रिएट किया, फाइनल मोमेंटम। तो जे किधर की तरफ लगा? जे वेक्टर है ना, तो जे वाई एक्सिस पे नहीं लगा। अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट अनचेंज्ड, तो वाई एक्सिस चेंज ही नहीं हुआ, वाई एक्सिस के मोमेंटम्स चेंज नहीं हुए। तो जो ये जो चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों भाई? अलोंग एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है ना, तो अब हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? अलोंग एक्स एक्सिस के मोमेंटम लेना है, एम वी माइनस एम यू। तो एम इंटू, अच्छा इसका जे कंपोनेंट क्या होता? वी का जे कंपोनेंट आफ्टर इंपैक्ट क्या था? सॉरी आई कंपोनेंट क्या था? थ्री। और तो एम इंटू थ्री, और फिर क्या होगा बोलो भाई? नहीं बी का है ना, सॉरी हमें आप क्या ए का ए दिए है ना, ए के लिए दिए। ए का जे, ए का आई कंपोनेंट क्या होगा? ए का आई कंपोनेंट टू, ए का आई कंपोनेंट क्या है? टू। और इनिशियल कंपोनेंट क्या है? फाइव। तो क्या लिखेंगे अभी? वैल्यू क्या आ गई है जो जो इम्पल्स लग रहा है? इम्पल्स बताओ, फाइव माइनस टू, क्या वैल्यू आ गई? फाइव माइनस टू। समझ में आया? आर यू ऑल गेटिंग? सो जे की वैल्यू क्या आ गई? थ्री। आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, सेकंड वाले से, ये विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट फर्स्ट वाले बॉल का। भाई जितना इम्पल्स ये दिया उतना इम्पल्स वो दूसरे ने भी क्रिएट किया, ठीक है? इसी इम्पल्सिव फोर्स के कारण ही तो जो है कोलिजन हो रहा है। आप चाहो तो सेकंड वाले के बॉल से मैं निकाल के दिखाऊं, देखो 3m मास लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी 3 हो गई है और माइनस 2, 3 माइनस 2 हो गई है, ये पहले 2 थी और अभी जो है 3 आई है सॉल्व करने पर v की वैल्यू। तो 3 माइनस 2 लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? तो ये भी जो है जे क्या आ गया? क्लियर है? क्लियर है सर? ये है क्या? हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। यस सर, अलोंग जे कैप नहीं होगा क्या? अलोंग जे कैप नहीं ना हो रहा है, कोलिजन कहाँ पे हो रहा है? अलोंग आई हो रहा है ना, अलोंग आई वाले में पहले ही लिख दिया परमानेंट कंपोनेंट अनचेंज्ड, और इसीलिए तो बताया कि जो ये पीजे इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे वो क्या अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखेंगे, LOI। यही इसीलिए तो ये क्वेश्चन करवाया गया, फाइंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स दैट एक्ट ऑन द इंस्टेंट ऑफ इंपैक्ट।
तो एक किसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल किसे, किसी के लिए भी अप्लाई करो, लाइन ऑफ इंपैक्ट में कोलिजन सेम आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अभी कोई डाउट किसी को? एक्चुअली ओब्लिक कोलिजन पढ़ना जो है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए क्या? यस बोलो। सर यहाँ पे बोला गया पैरेलल टू आई, पैरेलल टू आई के पे, बट अगर दूसरे केस में ऐसा नहीं हुआ क्या? क्या क्या बोल रहे हैं? जहाँ भी होगा वो जब ये दोनों एक ही लाइन पर रखे हुए हैं ना, तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं समझे? जहाँ भी वो ज्वाइन करेंगे तो जो भी प्लेन होगा उस प्लेन के लाइन ऑफ इंपैक्ट पे होगा, यही तो बता रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसके बाद एक और क्वेश्चन पिछले बार का ही बचा हुआ था, वो हम लोग नहीं ले पाए थे, तो स्टिंग बॉल वाला था जो क्वेश्चन जो है। ठीक है, दैट वॉज ऑल्सो गुड क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए मैं वहां से दिखला जाऊंगा ओब्लिक कोलिजन, और इसके बाद फिर वेरिएबल मास सिस्टम आज पढ़ाना है। ठीक है, हाँ बोलिए। यस, स्क्रॉल डाउन कीजिए, लास्ट का पार्ट लिखना है। ये दोनों से सेम मास आएगा, सॉरी सेम इंपल्स आएगा, पीएम पीएम। हो गया हो तो जल्दी बोलिए। जल्दी करें भाई, बहुत सारा वर्क करना है आज। आज वो एक लेक्चर आगे निकल गया, उसमें लास्ट लेक्चर है उनके तरफ से। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम, सभी लोगों के लिए नोटिस है, सुन ध्यान से, जिन लोगों को ये सब प्रॉब्लम टफ लग रहा है, दिखने में घबराहट हो रही है इंजीनियरिंग वाले बैच में, वो प्लीज़ मेडिकल वाला बैच भी ज्वाइन कर ले, वहाँ छोटे छोटे प्रॉब्लम भी डिस्कस किए जाते हैं, तो कुछ तो माइंड में स्क्रीन होगा, कोलिजन के बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लूँ, एक पिंग पोंग बॉल दूसरे पिंग पोंग बॉल से टकराऊँ और फिर जो है वैल्यू निकालूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग के लेवल पर पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये समझने में, तो ये करते ही रहें, साथ ही साथ मेडिकल वाले बैच का भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें, वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ तो आपको माइंड में स्क्रीन होगा, ये लिंक आईडी सेम रहेगी, इसी में ज्वाइन कर लेंगे। सभी लोगों को नहीं कह रहे हैं, सभी लोग करेंगे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा उनका, इंजीनियरिंग के लिए यही लेवल रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ी भी तो होगा कि दो मास दिया हुआ है, एक वेलोसिटी दिया हुआ है, एक की वेलोसिटी निकाली है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाई है, M1 V1 M2 V2 M1 प्लस M2 V निकाल के एंजॉय कीजिए, ये थोड़ी करना होगा इंजीनियरिंग में। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे जे निकालने के लिए, आई जे कंपोनेंट से सब देखना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अपने को इंजीनियरिंग लेवल के लिए। आगे बढ़े। हेलो सर। हाँ यस सर, इसमें किधर कुछ वो है, मतलब कॉम्प्लेक्स है सर, इधर भी सिर्फ कंपोनेंट्स निकाल के लाइन ऑफ इंपैक्ट के इधर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक्सट्रूशन लगाने का है ना। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? हाँ सर, क्या हुआ? हाँ सर, कोई नहीं।
क्या पूछना है आपको, डाउट है क्या, कुछ बता रहे हैं आप? नहीं सर, मैं सिर्फ कंफर्म करा रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़े, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम उठाते हैं इस लेवल पर, काफी देर सब लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ये देखिए, ये प्रॉब्लम पिछले बार आपके उसमें पीडीएफ में चला गया होगा। जो लोग को प्रॉब्लम जस्ट नहीं दिख पा रहा है, वो लोग अपना पुराना पीडीएफ खोल के देखेंगे, वो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन दिखा सबको, अभी क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है? प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ। A small steel ball A is suspended by an inextensible thread of length L 1.5 meter, right, from O. Another identical ball is thrown vertically downward. देखो ये vertically downward. ध्यान से देखो भाई. Such that its surface remain just in contact. ऐसे contact किया गया. With thread during the downward motion and collides elastically, ध्यान दीजिएगा elastically लिखा हुआ है, with the suspended ball. Suspended ball. तो अब क्या होगा जरा सोचो, जैसे ही ये collide किया क्या हुआ? Suspended ball just completes the vertical circle after collision. Calculate the velocity of falling ball just before collision. Yes, ये की वैल्यू 10 लेना। How to tackle? What will be the strategy? तो वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए पहले इसमें कितनी वेलोसिटी की जरूरत है यहां पे, ताकि ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर ले? ये सोचो भाई, सरून 5 जी क्या है, रूट 5 जी है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए ए ए ए की वाली जस्ट आफ्टर कोलिजन हमको क्या चाहिए, रूट 5 जी एल चाहिए ही चाहिए। ये वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, ये ए वाली जो बॉल है ना, ए वाली बॉल आफ्टर कोलिजन हम लोग को क्या चाहिए, रूट 5 जी एल। ये आप दिमाग में बैठा लो पहले, क्यों क्यों रूट 5 जी एल चाहिए भाई? वो कहाँ गया, ये वर्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नहीं सॉरी, क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, लिखा हुआ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्किल आफ्टर कोलिशन। ठीक, वर्टिकल सर्किल आफ्टर कोलिशन, तो रूट 5 जीएल चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसे होगा जरा सा आप जरा सोचो, इसको थोड़ा जूम करें, इस रिजल्ट को जरा जूम करते हैं। तो ये वाला मैं बात करता हूँ, इस वाले बात को देखो ध्यान से भाई सभी लोग। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को, जैसे ये बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये बॉल को जरा सोचो, ये बॉल जब इसके पास आएगी, बी वाली बॉल ए के पास आएगी, राइट, तो वो कैसे कोलाइड कर रही है, डायरेक्ट करा रही है कि वो ऑब्लिक कोलिजन होगा, बताइए क्या? दोनों बॉल सेम है सर, ऑब्लिक कोलिजन। यस, दैट इज द ऑब्लिक कोलिजन, ये मेन पॉइंट राइट, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, ऑब्लिक कोलिजन होगा, क्लियर है? चलो भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, चले क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। सर यहाँ पे आर भी देना चाहिए था ना सर, बॉल का क्या क्या होगा, बॉल का रेडियस भी देना चाहिए था ना, बॉल का रेडियस आर एज्यूम कर लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है,
आर से और दोनों आर है वो मेन साइन थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को एक्चुअली ये आईआईटी का हाँ बोलो क्या और वो तो सेंटर ऑफ मास से ही चलेगा ना आगे आगे जो उसका मूवमेंट होगा वो तो सेंटर ऑफ मास से ही चलेगा ना है क्या लेकिन कोलिजन का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमको दिखलाना है वो तो हम लोग 30 डिग्री पे दिखलाएंगे क्योंकि ये आ रही है आ रहा है तो 2R होगा ये आर होगा ये आर होगा तो 30 डिग्री एंगल वाले पर ही दिखलाएंगे ना यहाँ से वर्टिकल से ये चीज मैं दिखला रहा हूँ मीन इसलिए आर ले रहे हैं आर का कोई यूज नहीं है यू हैवंट टू बदर अबाउट दैट ठीक है तो चलिए लेते हैं अभी इसके लिए बस मैं ले रहा हूँ ये लिख तो ले रहे हैं क्वेश्चन ये आपके पास है और कितनी साइज बराबर रहेगी चलिए अभी आप लोग आ जाए पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग प्रॉपरली मैं आगे तक के पढ़ूँ तो पहले ये लिख लिया जाए ए ए वाला बॉल ये है ठीक है तो जस्ट आफ्टर कोलिजन यू नो यहाँ पे देखें जस्ट आफ्टर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इसका जो वेलोसिटी ऑफ ए है ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर कोलिजन ये तो इन्होंने बता दिया किया होगा रूट ओवर 5GL इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं ठीक है अब जरा एंगल बना लेते हैं इसका जिसमें लाइन ऑफ कोलिशन मेरा बनने के लिए तैयार है ठीक है तो मैं ये क्या कर लेता हूँ ये जो है आर एंगल पर ये रहेगा नहीं वहाँ पे 90 डिग्री बनेगा चाहिए जब दोनों बॉल कॉन्टेक्ट में आएंगे उसको मैं जूम करके दिखला रहा हूँ ठीक है यहाँ इस बॉल का सेंटर ऑफ मास है और ये बॉल ए बॉल का सेंटर ऑफ मास है तो ये आर हो गया तो ये दोनों स्फीयर जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तो 2R होगा और ये चीज़ हमेशा आईआईटी जेई देते ही है वो दोनों आइडेंटिकल बॉल देते तो आर 2R होता है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाती है भाई तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या क्या किए है आप वो जियो नहीं निकाले क्या कुछ क्या किए क्या है चलिए तो वो जो मोमेंट ऑफ इंपैक्ट होगा इलास्टिकली सो इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में रूट 5 चेंज होना चाहिए नहीं अभी उसको वो तो अपना जब जैसे ही कोलिजन हुआ तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आपने ये वाले जो वी को जिस वेलोसिटी से ये आ रहा है तो उसको आपने ये चेंज किया है क्या 30 डिग्री एंगल पे कॉस साइन कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट में है? तो लाइन ऑफ इंपैक्ट में जब हुआ है जैसे ही वो खट मारा नीचे जो है ए को तो ये क्या हुआ पहले ये तुरंत कोलिजन से भागना नहीं चला ये डोरी थोड़ी स्लैक करके पहले ऐसे ऊपर उठेगी ठीक है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा उठा रहेगा है? और फिर वो V2 वेलोसिटी पकड़ेगी अपनी ठीक है तो वहां पे मतलब इम्पल्स क्रिएट होगा पहले उसको इम्पल्स क्रिएट कराना होगा हम लोगों को और फिर तब जो है ये क्या होगा
अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ ई वगैरह नहीं लिया क्या इसका? अच्छा तो ई की वैल्यू वन हो जाएगी ना, इलास्टिकली दिया हुआ है तो ई की वैल्यू वन हो जाएगी, इसमें ई की रोल ही नहीं होगा, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ठीक है, उस इंस्टेंट पर भी। मैं बता रहा हूँ काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको समझा जाए पहले धीरे धीरे, घबरा ही नहीं। तो इस बात को पहले देखें, पहले इसको निकाल लें, एंगल निकाल लें, ठीक है। तो साइन थीटा और लोग समझ लें, पहले आर अपॉन टू आर वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, वन बाई टू। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री, करेक्ट, सही है भाई, यहाँ तक समझ समझ में आई सबको, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कैसे आया। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन बी बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हम वहां से कॉपी कर ले रहे हैं, बॉल मेरे पास आ रहा है, ठीक है, तो बॉल को ये बी बॉल को ले रहा हूं, आपको कुछ बोला नहीं, एक्चुअली मैं बॉल बुला रहा हूं, ये अपना बॉल भी है, ठीक है, तो बॉल भी है और बॉल बुला लो, ये वाला बॉल अपना ए है, मैं ये दिखा रहा हूँ और दोनों वो सेम है ना, तो ये ले लेना, ठीक है, ये बॉल क्लियर। ये ओके, अब ये क्या करेंगे कि जो लाइन ऑफ कोलिजन ना बना दिखता है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली बात हो गई, लाइन ऑफ इंपैक्ट हुआ, तो इसकी जो वेलोसिटी आ रही है बॉल की, इसकी बी वाले की, ये जो B वाले की वेलोसिटी है, B वाला ये रेड वाला है B, ठीक, ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से जो आ रहा है वो ये वाला है B, ठीक है भाई। तो ये जो B बॉल है, तो B बॉल की जो वेलोसिटी हम लोग की मिलेगी वो क्या होगा, मीन्स लिख ले रहे क्या, लेट जस्ट बिफोर कोलिशन, velocity of ball B, velocity of ball B वाली just before the collision, just before the collision B B, let velocity of ball B B V naught just before the collision, just before the collision, just before collision, collision, clear? तो जस्ट बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो रही है इनकी, जरा देख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, यस, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे ये देखें, ये वाली एक कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में ये कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या होगा, वी नॉट कॉस 30 डिग्री, V नॉट cos 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री है ना यहाँ से, और यहाँ पे V नॉट sin 30 डिग्री, करेक्ट, ये B वाले का, ये B वाले का, ठीक है। तो ये जो V नॉट cos था और ये वाले जो वेलोसिटी है इसको भी कुछ रिज्यूम करना पड़ेगा ना, तो ये टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया हम लोग। तो अभी देखो, अच्छा बॉल A जो सस्पेंडेड है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स है, सस्पेंडेड है, ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ L 1.5, इससे सस्पेंडेड। तो अब यहाँ पर दैट इट मीन दिस मीन दैट मीन ड्यूरिंग द कोलिजन, राइट, तो दो तरह के इम्पल्स जनरेट होंगे ड्यूरिंग, मतलब दो इम्पल्स रहेंगे ना, तो ए बॉल पर दो इम्पल्स एक साथ जो है अटैक कर रहा है,
एक तो वो इसका जो ये एमबी कॉस 30 डिग्री से आ रहा है ये वाला, और एक जी मतलब एक तो मोमेंटम में ये इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है, तो इम्पल्सिव इंट्रैक्शन जो हो रहा है दैट इज लेट बी जे, सो दैट इज जे माइनस एम वी नॉट जे, मतलब इस पर जो जैसे ही आकर के टकराया ये वी वॉल तो जे माइनस एम वी नॉट, ये वी नॉट कॉस 30 डिग्री इधर की तरफ आ रहा था तो इस पे जो बी पर इम्पल्स अप्लाई हो रहा है ठीक है, ये बॉल बी पर मतलब अच्छा एक मिनट वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी गिवन है क्या लाइन ऑफ कोलिजन नहीं है तो ये आप लेंगे मतलब इसके बाद क्या होगा हम लोगों का ये इसमें बी बॉल का ठीक है, तो जैसे ही इसका इंटरेक्शन होगा इम्पल्सिव रिएक्शन जो रहेगा थ्रेड का जो इम्पल्सिव रिएक्शन रहेगा ठीक है, थ्रेड का जो इम्पल्सिव रिएक्शन रहेगा भाई आप यहाँ पे देखें ये पहले होगा क्या पहले इसको अभी हटा दें अभी अभी नहीं दिखा अभी जल्दी जल्दी नहीं करें इसमें ठीक है, इस बात को समझा जैसे ही वो अटैक करेगा इसके ऊपर बॉल ए के ऊपर तो बी पर जो इम्पल्सिव रिएक्शन वाली बॉल होगी ये थोड़ी देर बाद होगा क्या करा दिया देखा जाए ठीक है, ये वाला बॉल को पहले फिर से पकड़ रहे बहुत ध्यान से समझे ये वाली बॉल अब यहाँ पर बी पर आ रही है, ये वाली बॉल जरा देखो ये वाली बॉल जो है अपना बी यहाँ पे है ठीक है, और ये वाली बॉल जो है मतलब कोलिजन के बाद क्या हो रहा है ये मैं दिखा रहा हूँ ठीक है, कोलिजन के बाद तो ये क्या हुआ ये बी बॉल यहाँ रहेगी ये ए बॉल यहाँ रहेगी, अभी रूट फाइव जी एल वगैरह नहीं पकड़ी है, अभी जैसे ही ये इसके ऊपर स्ट्राइक किया है जे इम्पल्स अपना जे इम्पल्स स्ट्राइक किया है तो मैं ऐसे लेना चाहता हूँ जे इम्पल्स अभी ये इस पर स्ट्राइक किया है ठीक यहाँ पे, और ये जे इम्पल्स इसको फिर इधर वापस भेजेगा, इतना इंटरेक्ट इसके ऊपर लगेगा, ये कोलिजन के बाद फिर क्या हो रहा है ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अभी स्ट्रिंग की हालत क्या होगी वो जरा देखें, तो स्ट्रिंग इस तरह से हो जाएगा फ्लैग टाइप का करेगा ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा मतलब थोड़ा सा लूजन पड़ेगा ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी इन लोगों की ये जो इसको यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी वो अब इसको फिर फर्दर क्या मिलेगा एम वी टू, मान लो इसका मोमेंटम अब आ गया एम वी टू राइट, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दैट वी से वंस अगेन ये इस पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी दैट इज एम वी वन, एम वी वन वापस जाएगा ये कौन ये बी वाला बॉल है ध्यान दीजिएगा भाई, और ये क्या है ए वाला बॉल है ठीक है, और ये इम्पल्स यहाँ पे जे था और ये यहाँ पे जे लग रहा है ठीक है, और अच्छा इसमें जो वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट आएगी और यहाँ पे ये जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है ये जो है जे डैश, ये जो है जे डैश थोड़ा मान लो, और ये क्या होगा एम वी नॉट, एम वी नॉट साइन 30 डिग्री राइट, एम वी नॉट साइन 30 डिग्री से ये आ रहा है ये इम्पल्स ठीक है, तो इस पर तो ये वाली जो लाइन है इस पर एम वी नॉट मतलब ये एम वी वन इधर जा रहा है और एम वी नॉट साइन 30 डिग्री ये आ रहा है ठीक है, और ये जो अब इसके बाद अगर ये हम लोग फिर से बनाएं इस वाले बॉल को यहाँ पे देखें पहले मैं इसको लिखता भी रह रहा हूँ ताकि ये भी बात आपको समझ में आ जाए इसको डायग्राम को देखकर छोड़ा कर देना ताकि आपको समझ में आए, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने की इसमें, लेकिन आप पता चले क्या आएगा तब मैं मोमेंटम ईजिली लिख पाऊँगा तो कन्फ्यूजन आपसे बच जाएंगे, तो अब देखिए मैं इसके लिए लिख रहा हूँ तो वेलोसिटी ऑफ बॉल बी यस यस हाँ सर प्रथमेश बाहर चला गया सर मीटिंग में उसको अंदर लाने का सर उसको सर एक बंदा डिस्कनेक्ट हो गया अच्छा तो आ गया कि नहीं वापस
उसके अंदर आने का, उसको अंदर परमिशन नहीं मिलता। एक्चुअली मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ, मैं खुद ही परमिशन लेकर के अंदर आया हूँ। ये डायरेक्ट ऑफिस से बात करें, ऑफिस में जो मैडम नहीं है वो करेंगी जाए। हाँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं भी आपकी तरफ से एक पार्टिसिपेंट हूँ यहाँ पर इस मीटिंग में। इज इक्वल टू एम इन टू वी वन, राइट। वहाँ पे जो काउंसलर वाली मैडम है उनसे बोलिए, और दैट इज वी वन, ठीक है। तो ये देखो एम वी वन से आ जाएगा वो बस, ठीक है भाई, ये समझ में आया सबको आप जे माइनस एम वी और नॉट कॉस्ट फैक्टर डिग्री। तो वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे बाई एम, ये एम से डिवाइड कर देंगे, और माइनस वी नॉट कॉस 30 डिग्री। तो जो भी इक्वेशन वगैरह होगा आप इसको एज्यूम कर लें, इक्वेशन नंबर वन, राइट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट ऑफ द बॉल इज क्या है, लेट्स से दैट इज जे साइन 30 डिग्री, ये ए बॉल ए के लिए जे साइन 30 डिग्री, ठीक है। जे वाला का कंपोनेंट जे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री जान रहे हैं आप लोग, तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो क्या है, वो 30 डिग्री है। मैं ये लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री, ये दिखेगा आप लोग को, ये वाला एंगल मैं बताना चाह रहा हूँ 30 डिग्री। ये तो सब लोग समझ रहे होंगे 30 डिग्री, जे साइन 30 डिग्री है, ठीक भाई। तो जे साइन 30 डिग्री अभी क्या आएगा, यस जे, तो भाई ठीक है, जे साइन 30 डिग्री, तो इससे वी वन आ गया ना। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जे साइन 30 डिग्री इक्वल टू, तो अब इसका जो वेलोसिटी क्या मिल गया है हम लोगों को, जे का साइन 30 डिग्री कंपोनेंट ये वाला आ गया, और ये एम वी टू, ये अच्छा वी टू लिया ना, एम वी टू, देखो एम वी टू, बस एम वी टू क्वेश्चन नंबर टू, ये किसके लिए, ए बॉल के लिए, ठीक है भाई। तो अभी हुआ क्या है, ये जो थोड़ी सी स्मॉल साइज हो गई है इसकी, तो ऐसे सिचुएशन में तो बॉल तो इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है भाई, बॉल तो इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई तो इसमें कोई है ही नहीं, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन रहता तो ई की वैल्यू हम लोग ई लेते, और क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वी टू साइन 30 डिग्री माइनस, अभी मैं रख दूंगा अभी ई की वैल्यू वन जो है, डोंट वरी, माइनस वी वन, पहले मैं ये दिखला रहा हूँ क्या वैल्यू आ रही है, पहले इसकी वेलोसिटी वी वन थी जो है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, ये एम वी वन हो गई, ये वी वन हो गई, और ये वी टू साइन 30 डिग्री होगा ना, बराबर साइन 30 डिग्री होगा, यस हाँ ठीक है। तो वी टू साइन 30 डिग्री माइनस माइनस वी वन, माइनस माइनस वी वन होगा ना, ऊपर जाना है, तो दैट इज वी वी नॉट, वी नॉट कॉस 30 डिग्री, और फिर माइनस, इनिशियल में तो वो जीरो था अप्रोच से पहले, तो दैट इज वन, ये क्वेश्चन नंबर आपका थ्री हो गया। अब वन टू और थ्री इक्वेशन से आप सॉल्व करिए बस, फटाफट कुछ भी करना नहीं है, तो यहाँ से जे वैल्यू, जे की वैल्यू मिल जाएगी, वन टू थ्री इक्वेशन से सॉल्व कीजिए। चलिए करिए आप लोग, ये चीज़ समझ में आए, किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे, जे माइनस, ये जे वाला इक्वेशन यहाँ से आया, जे माइनस एम वी नॉट साइन 30 डिग्री एम वी वन, ठीक है भाई। और फिर ये बस कुछ नहीं, वी से डिवाइड किया गया तो इक्वेशन नंबर वन बन गया, ये बन गया वी वन वी टू, और कितना, ये ई वैल्यू वन रख दिया है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, ई की वैल्यू वन रख दिया है, समझ में, ये ई इसलिए लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में लिखा है। तो चलिए अभी तीन इक्वेशन बन गया, तीन अननोन क्वांटिटी, सॉल्विंग वन एंड टू थ्री, वन टू और ये थ्री इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन वन टू और थ्री को सॉल्व करें, सॉल्व वन टू थ्री, वन टू थ्री इक्वेशन को सॉल्व करें सभी लोग, क्या आंसर आएगा बोलो भाई, थोड़ा ऊपर कीजिए ना, या तो क्लियर हुआ, ये वाली वैल्यू बन गई है, तो मैं एक और बना करके दिखा दूँ आपको, इसमें जो ये वी वन वी टू साइन 30 डिग्री वी वन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये वाली कही, तो मैं फिर से बना कर दिखा दूँ। हेलो सर, यस सर, ये जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है वो जो डायग्राम है ना वो और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। उसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये फिर से एक बार बना दे रहा हूँ आपको, जो ये बाद में जो ये वैल्यू आ रही है, ये जे साइन 30 डिग्री वी टू साइन 30 डिग्री ये कैसे बना रहा है, इसी बात को मैं यहाँ दिखला रहा हूँ, ये पहले मैं हटाऊँ, इसको नोट करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूँ पहले, ये एक्चुअली हो क्या रहा है,
यही चीज मैं करने जा रहा हूँ। ये बॉल है सपोज, ठीक है, और ये दूसरी बॉल लेते आते हैं, दूसरी बॉल एक लेते हैं, ये एक बॉल आएगी, ठीक है, इसको भी एक्सरसाइज का बना लेते हैं। अब ये हो कह रहा है कि ये जब दोनों कोलिजन करने पाए, जैसे जैसे स्ट्रिंग टॉट हुई उस तरह की स्थिति अगर आप देखते हैं तो ये होगा क्या, ये दोनों को लाइन को ज्वाइन करने पहले तो ये V2 साइन 30 डिग्री आएगा, साइन 30 डिग्री राइट, और यहाँ पे ये V2 वेलोसिटी इधर की तरफ जाएगी और ये V1 वेलोसिटी ये इधर जाएगी, ठीक है, समझ में आया अभी। तो ये वाली वैल्यू को मैं लेकर के यहाँ चलना, ठीक है, बात को समझा लेंगे। क्लियर है, अभी क्लियर है, देखो अब चलो 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तब लोगों ने सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, जे की वैल्यू क्या आई है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने पे वी टू की वैल्यू जो है आपको रूट 5GL अप्लाई कर से इक्वेट करेंगे। हाँ क्या बोलो, कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो, वही क्वेश्चन सेम, कहाँ थे आप सर, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हैं क्या सर, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हाँ क्यों क्या हुआ, कैसे करेंगे एक क्वेश्चन 1 2 3 को सॉल्व करेंगे, बस कुछ किया थोड़ी है, बस एक इंपल्स वाला जो नई चीज है इसलिए, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन को लिया हूँ, इंपल्स कैसे आएगा, जैसे ही आप रस्सी पे मारेंगे तो रस्सी थोड़ी सी जो है सिकुड़ेगी और फिर तब जो वो जो इंपल्स क्रिएट करेगा वो इंपल्स फिर इसको मोमेंटम इंपार्ट करके फिर आगे बढ़ाएगा और ये तब यहाँ पे V2 की वैल्यू रूट 5GL यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, इस V2 को रूट 5GL से रखेंगे। तो पहले V2 की वैल्यू इसके टर्म्स में निकाले, तो V2 की वैल्यू निकालेंगे तो J की वैल्यू कितनी आ गई, J की वैल्यू आएगी 1.6 MV0, सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाएंगे, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, cos 30 डिग्री, ठीक है, आप नहीं निकाल पाएंगे तो मैं पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके बताऊंगा 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 0.6 V0, ठीक है, cos 30 डिग्री ये आ गया होगा आप लोगों का, ये सब लोग कर पा रहे होंगे। और V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू 0.8 V0 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है, ये V1 V2 निकल गया। अब सर्किल वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए
V2 की वैल्यू क्या हम लोगों ने को लेनी है? V2 की वैल्यू तो पहले ही बता दिया था भाई कि root 5 GL टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, फॉर वर्टिकल सर्कल, बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फॉर वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल के लिए कंप्लीट करने के लिए V2 को root 5 GL होना चाहिए था, तो इसको root 5 GL से इक्वेट कर दें, तो therefore root 5 GL इज इक्वल टू यू नो दैट इज क्या है 0.8 है ना, 0.8 यहीं से वैल्यू रख देंगे, 0.8 V0 कॉस है ना, 0.8 V0 यस, 0.8 V0 कॉस नहीं होगा साइन, नहीं कॉस नहीं साइन लिख दिया था, कॉस 30 डिग्री राइट। तो अब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग डाल देंगे, V0 cos 30 डिग्री अगर अगर सॉल्व करके, तो V0 की वैल्यू अब आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, एल वगैरह दिया है ना, एल लेंथ ऑफ थ्रेड तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल लेंथ ऑफ थ्रेड 1.5 अगर रख दो इसमें, एल की वैल्यू 1.5 अगर यहाँ पे रखोगे और जी की वैल्यू 10 रख दो, तो V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। आर यू ऑल रेडी? इसमें अभी इसको नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा कुछ है, क्लियर है? हाँ सर, दो मिनट के लिए नोट कर ले। अच्छा सर, यस बोलो सर। ओके सर, मैंने क्या कहा था, मतलब जो ये बॉल है पीछे गिर रहा है वो 30 डिग्री पे हिट करेगा, तो उसके वाले इलास्टिक है ना, तो उसके वाले स्ट्रेट है, वो एंगल पे जीरो हो जाएगा। नहीं जब लेकिन ये अगर थ्रेड से नहीं कनेक्ट होता तब ऐसा होता, थ्रेड से कनेक्ट है तो जैसे ही ये गिरेगा तो थ्रेड पहले थोड़ा सा ये घूमेगी, तो वो जो घूमेगी वहां पे एक नया तरह का इम्पल्स क्रिएट हुआ, तो ये जो जे क्रिएट हुआ ना इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये थ्रेड पहले लूज हुई, हाँ तो ये थ्रेड ऊपर खींचा। हाँ बोलो सर, तो एक एंगल पे से उसको वेलोसिटी मिला और वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स के कारण उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, और सर हॉरिजॉन्टल में उसका वेलोसिटी होगा, वर्टिकल में इंपल्स कारण वेलोसिटी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगा ना सर, ये आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं कि बिफोर कोलिजन की, क्या पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट देखना पड़ेगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के बीच में जे आएगा, ये जे जो है इसका जो कंपोनेंट होगा जे डैश, ये ऊपर की तरफ उछलेगा इसको नीचे की तरफ। आप तो ऐसा करो, एक जो है सीलिंग से डोरी लगा करके बॉल को हिट करो, और ऐसे जो है कोई कॉम से या फिर कोई सी ऐसे स्ट्रेट रूलर से आप बॉल को हिट करो, तो पहले बॉल जंप करेगी थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, पहले बॉल जंप करेगी और जंप करके फिर जो है उसका जो एंगल होगा, एंगल पर जो कंपोनेंट होगा वो खींच करके ले जाएगा वेलोसिटी के लिए, तो यही MV2 आफ्टर कोलिजन ये हुआ है सिचुएशन, समझ रहे? क्लियर है? उसको मैं ऑफलाइन में अगर मिलते हैं तो आप बताइएगा, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखलाऊंगा, जो एक सीलिंग से बांध करके बॉल मैं ऐसे इसको टक सीधे ऐसे स्ट्रेट मारूंगा, एक बॉल के जगह पर, बॉल के जगह पर बॉल न लेकर के मैं एक रूलर से इसको डायरेक्ट यहाँ पे मारूंगा, तो आप देखिए क्या होगा, पहले पहले ये थोड़ा उछलेगी फिर ये भागेगी, ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखिए पहले, बी नॉट कह लो ये आ जाएगा भाई। चलिए और आगे देखें, और कोई क्वेश्चन भी रहा होगा, अभी एक क्वेश्चन ये है बस, ये वाला एक क्वेश्चन है, ग्यारह तक तो क्लास है, एक ही घंटा तो है, क्या ब्रेक लेंगे, ब्रेक जरूरी है क्या? ब्रेक सबको जरूरी है? ब्रेक जरूरी है क्या? मैं तो नहीं क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा, सबको जरूरी है, चलिए ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक लगता है, जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स प्लीज ज्वाइन इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। अभी हम लोग रॉकेट मास सिस्टम पढ़ेंगे, रॉकेट पर एक मूवी देखेंगे सब लोग, ठीक है, प्लीज ज्वाइन। 15 मिनट दीजिए ना थोड़ा सा।
15 नहीं 10 मिनट्स 10 मिनट्स ज्यादा नहीं, फिर वो रॉकेट के लिए प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा, रॉकेट का प्रॉब्लम, ठीक है। दो मिनट की मूवी भी देख रहे, ओके Thank you.